नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे। ये है क्या, मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली में ये एक एक ऐसा मिशन है जिसके तहत जो है एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कंपोनेंट में जो 6 की ब्लॉक होंगे, ये की ब्लॉक क्या होगा, डिजिटल नेम, खासकर हेल्थ आईडी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 डिजिट का एक हेल्थ आईडी बनेगी जो किसी भी इंसान के ऑल रिलेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगी। मतलब 10 साल पहले आपने कौन सा, मतलब यदि ये हेल्थ आईडी बन जाएगी तो 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद यदि किसी डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो वो एस्टिमेट कर सकता है, वो बता सकता है कि 10 साल पहले आपने किससे डायग्नोसिस करवाया था और कौन सा प्रिस्क्रिप्शन लिए थे, कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाए थे। मतलब वो आपकी ऑल हेल्थ स्टडी जो है स्टडी कर लेगा। तो इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में 6 चीज़ें होंगी, एक होगा हेल्थ आईडी, दूसरा होगा डीजी डॉक्टर, ठीक है, तीसरा होगा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। भाई आपका अगर डेटा कहीं रखा जाएगा तो वो एक रजिस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे सब रजिस्ट्री होगी। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, आपके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सेव करके रखे जाएंगे, ई इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी रहेगी और टेली, मतलब वेबकैम के जरिए टेली मेडिसिन का भी प्रावधान होगा। तो मैं आपको बता दूँ, सिक्योरिटी, जो डेटा प्रोटेक्शन की बात चल रही है, चूँकि डेटा प्रोटेक्शन 2019 बिल जो है गवर्नमेंट पास कर चुकी है, तो इसलिए जो है इंडिया बहुत तेज़ी से जो है डेटा स्टोर की बात कर रही है। लेकिन एक बात यह है कि इसका एक ड्रॉबैक ये है, मेरा सोचना है पर्सनली, कि अगर किसी भी देश के लोगों का हेल्थ स्टेटस कहीं स्टोर किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि कोई भी उस हेल्थ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके किसी तरह का जो है वायरस अटैक करवा सकता है, क्योंकि इससे लोगों, ये बाहर के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो इम्यून सिस्टम है, किस तरह का काम करता है। क्योंकि वो जो मेरा हेल्थ आईडी होगी, जो हेल्थ आईडी होगी 14 डिजिट की, वो तो सब डेटा बता देगी किस आदमी को किस तरह का डायग्नोसिस हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, इसको शुगर है क्या, किस तरह की दिक्कत है, इसे कौन सी दवा मिलती है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है, थोड़ी बुरी बात है, लेकिन अच्छी बात को हम देखेंगे, बुरी बात को नहीं, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी और सर्वप्रथम ये यूनियन टेरिटरी जितनी है वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली, इसको आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम जो है पहले सब राज्यों में नहीं की जाएगी, पहले जो कवरेज जो है यूनियन टेरिटरी में की जाएगी। लेकिन मैं बताऊं, ये वॉलंटरी बेसिस पे है, अभी जो है इस पर कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में प्रेशर बनेगा। वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है, मतलब आप चाहेंगे तो आपकी हेल्थ आईडी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और ये क्या करेगी हेल्थ आईडी, रिड्यूस द गैप अमॉन्ग द स्टेक होल्डर, ये गैप रिड्यूस करेगी डॉक्टर और पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच। मतलब यदि आप किसी हॉस्पिटल में गए, आप जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, या कहीं भी हैं ईस्टर्न पार्ट के हैं, जहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर ख़राब है, आप गुड़गांव में वेदांता, कहीं भी गए, वेदांता गए, किसी हॉस्पिटल में गए, एम्स में गए, तो वो आपके डिजिटल हेल्थ जो आईडी है उससे ये पता लगा सकता है कि आप जो है 4 साल पहले कहाँ डायग्नोसिस करवाए थे, वो डायग्नोसिस कौन कर किया था, कौन डॉक्टर किया था, आपको क्या दवा प्रेस्क्राइब की गई थी। इससे मतलब आपके रोग को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक तरह से रिड्यूस गैप अमॉन्ग द स्टेक होल्डर काम करेगा और कनेक्ट करेगा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में देख लीजिए। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है अपेक्स बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करती है आयुष्मान भारत, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एबी, ठीक है, सॉरी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जो है जो इंश्योरेंस वाला है, जिसमें प्राइमरी और टर्सरी मामलों में जो है 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है फैमिली को। तो ये वो गवर्निंग बॉडी है जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट जो है, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया जा रहा है, तो सही बात है, क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसकी अपेक्स बॉडी है और ये बॉडी ये योजना इम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब ये बॉडी एक तरह से
NDHM भी इम्प्लीमेंट कर रही है और ये बॉडी AB प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। ठीक है, और इस बॉडी को जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे वो गवर्नर चेयर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। प्रोजेक्ट डॉल्फिन है दूसरी न्यूज़ जो मोदी जी ने अनाउंस किया, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020 के मौके पे, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरी जो न्यूज़ है, उन्होंने जो है मोदी जी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉयन। अगर एक लेमन टर्म में किया कहा जाए, सिंपल सी भाषा में कहा जाए, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट मतलब डॉल्फिन, गैंगटिक डॉल्फिन और जो इंडियन एशियाटिक लॉयन है जो गिर नेशनल पार्क में मिलता है, इसके प्रिजर्व करने का इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, तो इनके नेचुरल हैबिटेट को बचाने की बात इन्होंने की है। तो हम पहले देखेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है क्या। देखिए, ये डॉल्फिन को जो प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एम टू कंजर्व द गैंगटिक डॉल्फिन। ठीक है, लेकिन ये गैंगटिक डॉल्फिन केवल गंगा के ही नदियों के डॉल्फिन नहीं, ओशेनिक डॉल्फिन को भी प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है एंटी पोचिंग एक्टिविटी को डाउन करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे जो है टूरिज्म बढ़ेगा, और चूंकि जो गैंगटिक डॉल्फिन होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, तो ये फ्रेश वाटर के इंडिकेटर होती हैं, तो अगर इनको प्रिजर्व करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को भी सेव कर सकते हैं और SDG गोल को भी पा सकते हैं। आ जाइए गैंगटिक डॉल्फिन को देख लेते हैं क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बताता हूँ। गैंगटिक डॉल्फिन एक्चुअली में गंगा रिवर, मेकोंग रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के रिवर सिस्टम में पाया जाता है और इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि गंगा जो है अल्टीमेटली बांग्लादेश के पास आके मिलती है, अरे सुंदरबन के आसपास मिलती है, और ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में। तो ये जो इन्हीं डॉल्फिन में जो इसी रिवर बेसिनों में जो होती है ये डॉल्फिन पाई जाती है, इंडेंजर होती हैं और IUCN की लिस्ट में जो है ये इंडेंजर है, और साइट के अपेंडिक्स 1 में पाई जाती हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में पाई जाती हैं। इसमें एक आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, ज़िंदगी भर याद रखिएगा। जो IUCN की लिस्ट होती है, इस लिस्ट में सबसे इधर होता है काम का हमारे वल्नरेबल, इधर होता है इंडेंजर और इधर होता है क्रिटिकली इंडेंजर, जब और इधर होता है एक्सटिंक्ट। जब हम इधर जाते हैं तो वो जानवर या वो भी जो फ्लोरा फना है वो विलुप्त होता रहता है, और इधर जब जाते हैं तो उसकी कंडीशन ठीक होती है। देखिए, हमारे जो काम का होता है क्रिटिकली इंडेंजर, इंडेंजर और वल्नरेबल, ये 3 सेक्शन है। जिस सेक्शन में आप यहाँ से इसको काट दीजिए वल्नरेबल के इधर, यदि कोई IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई मतलब जानवर IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल होगा तो वो शेड्यूल 2 में होगा, यहाँ 1 नहीं लिखा जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 2 शेड्यूल में होगा और साइट के अपेंडिक्स 2 में होगा। लेकिन जो जानवर इनडेंजर या क्रिटिकली इनडेंजर होगा IUCN की लिस्ट में और इधर उसकी लोकेशन होगी इस लाइन के इधर, वो जो है आपके शेड्यूल 1 में होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के और साइट के अपेंडिक्स 1 में होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी जानवर इनडेंजर या क्रिटिकली इनडेंजर होते हैं उनकी सेविंग स्ट्रांगली होती है, उनके लिए कानून बहुत तगड़े बनाए जाते हैं। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि साइट के अपेंडिक्स 1 में क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं, इसमें एक्चुअली में होता है कि वो जानवरों की लिस्ट होती है जो एक्चुअल में इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर या एक्सटिंक्ट एरिया पे हैं, बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो गैंगटिक डॉल्फिन को हम लोग देख लिए, आइए हम लोग एक बार प्रोजेक्ट लायन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट लायन जो है एशियाटिक लायन के लिए कहा गया है, कंजर्वेशन इंडिया एशियाटिक लायन, और इसका जो लोकेशन है गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में है, और ये लोग कह रहे हैं कि मतलब इस योजना के तहत कि इनके हैबिटेट को डेवलप किया जाएगा और टेक्नोलॉजी के जरिए लायन मैनेजमेंट किया जाएगा, और जो इनके एक्चुअली में क्या है कि डिजीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। अभी अभी जो है गिर नेशनल पार्क में आपको पता होगा कि लायन को एक जो है रोग हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी 16-17 लायन मर गए थे, तो वो
प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। अब एशियाटिक लायन को भी देख लीजिए, वही फिनोमेना जो मैंने बताया था कि यदि कोई IUCN में इंडेंजर होगा तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में होगा और साइट की Appendix 1 में होगा। यदि क्रिटिकली इंडेंजर होगा तो भी यहाँ यहीं रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे वर्नरेबल होगा, जैसे फिशिंग कैट इज ए वर्नरेबल, तो उसको देखेंगे या तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में होगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ अपेंडिक्स 2 में होगी। तो ये हो गया आपका, आइए देखते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लोगो लगा होगा, फिट इंडिया मूवमेंट अगस्त 2020 और 11 बजे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे यहाँ मेडिकल सेक्टर को तो गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, उसके लिए तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं। तो वो सोच रहे हैं कि पब्लिक को, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए, कोरोना भगाने के लिए जो लड़के हैं उनको दौड़ाया ही जाए, उनको फिट रखा जाए, पब्लिक को फिट रखा जाए, इसलिए जो है हमारी गलतियाँ ढकी रहें। वो मैटर नहीं करता, आप चीज़ों को बस देखिए, मैं तो ऐसे ही बस बोल देता हूँ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट ने जो है फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है। ये मूवमेंट है क्या, ये पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट का ही पार्ट है, जो अवेयरनेस क्रिएट करेगा इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस के लिए, ठीक है, और ये यूथ के अंदर जो है अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि फिटनेस की क्या महत्ता है, ठीक है, और एम टू हार्नेस द पावर ऑफ यूथ, ठीक है, पावर, यूथ के पावर को हार्नेस करेगा, बढ़ाएगा, और ये कहेगा कि फिटनेस की कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है, वॉलेंट्री नेहरू युवा केंद्र संस्थान एंड अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन विल टुगेदर टू फिट इंडिया मूवमेंट, एक फिट इंडिया क्लब बनाया जाएगा, एवरी ब्लॉक, मतलब देश के हर ब्लॉक में एक फिट इंडिया यूथ क्लब बनाया जाएगा, और ये यूथ क्लब जो है स्कूलों में जाके, इसको देख लीजिए, ईच मेंबर ऑफ क्लब विल मोटिवेट पीपल फ्रॉम कम्युनिटी एंड स्कूल टू फिटनेस एक्टिविटी, स्कूल में जाके लोगों को फिट के लिए बताया जाएगा, और पीपल को जो है, कम्युनिटी को भी बताया जाएगा कि आप फिट रहिए, इसलिए हमको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल मत जाइए, कोरोना अपने आप भाग जाएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट है, इसको फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में देख लीजिए। फिट इंडिया मूवमेंट 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड मिनिस्ट्री, याद रखिए, फिट इंडिया मूवमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नहीं है, उसको गलत से टिक मत कर दीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट का है। क्यों, ये क्यों, किस लिए है, इनकरेज करने के लिए पीपल को, इनकलकेट फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें एंड स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें एवरी डे लाइफ, ठीक है, ताकि आप फिट रहें, ताकि जो है, जो 1.1 पॉइंट के आसपास GDP का जो है हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1% केवल GDP का, मतलब 100 रुपये की कमाई होती है इंडिया में, तो मात्र 1 रुपया हेल्थ में लगाया जाता है और लगभग 3 रुपये के आसपास शिक्षा में लगाई जाती है, तो ये कमियाँ ढकी रहे, आप दौड़ते रहिए, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, तो ये पैसा जो है हम कहीं और डाइवर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको देखते हैं हम। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम बनाया है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम आपको बता दें तो ये कॉलेज है, GBP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम ने, इसके रिसर्च सेंटर में ये एक इंडिनियस फोटोनिक सिस्टम बन गया है, जो पोर्टेबल है, ये आपको दिख रहा है, ये फोटोन के माध्यम से एयर में इम्प्योरिटी को मेजर करेगा। सिंपल सा एकदम, अगर सिंपल की क्रक्स आपको याद करना है तो ये सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी पैरामीटर है, ये फोटोन के माध्यम से, मतलब प्रकाश के माध्यम से, फोटोन जो इनविजिबल होगा, मतलब फोटोन तो इनविजिबल होता है, प्रकाश तो दिखाई देता है, उसके माध्यम से ये पता लगाएगा कि ये जगह पे जहाँ पे लगा दोगे, इंस्टॉल कर दोगे, तो ये बता देगा कि उस गैस में क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें पैरामीटर में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। सॉरी, इसको देख लीजिए, मैं आपको बताऊँ इसके फीचर्स क्या हैं। ये स्टैटिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेगा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एयर को क्लासिफाई करेगा और क्वांटिटी देखेगा वेरियस पॉल्यूटेंट का, कि वहाँ पे क्या हालत है, मतलब पार्ट पर मिलियन या बिलियन में कितना परसेंटेज, कौन सा PP2.0, PM2.2, PM10, ठीक है, SO2 का क्या लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है, वो सबको मेजर करेगा। पोर्टेबल है,
आप ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट है, लो पावर कंज्यूम करता है, इकोनॉमिकल अच्छा है, ठीक है। ये हर गैस की इन्फॉर्मेशन देगा, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर को भी मेजर करेगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और मैं आपको बता दूं कि ये कैपेबल टू मॉनिटरिंग बोथ स्पेशियल एंड टेम्पोरल डोमेन, ठीक है। ये मतलब कह रहे हैं कि एयर की पूरी एनालिसिस कर डालेगा वो, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका, बूस्ट होगा नेशनल एफोर्ट टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन हाई इन टेक्नोलॉजी, हाई इन टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस होगा। एक देख लीजिए इसमें जो है, एक आता है क्लीन एयर इनिशिएटिव, ठीक है। ये क्लीन एयर इनिशिएटिव के तहत ही बनाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप, डेवलप बाय क्लीन एयर इनिशिएटिव बाय गायत्री विद्या परिषद साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर जीबीपी कॉलेज ऑफ विशाखापट्टनम, ठीक है। ये क्लीन एयर इनिशिएटिव क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 2009 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, इस इनिशिएटिव को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। क्यों इन्हें लॉन्च किया गया था, इसलिए लॉन्च किया गया था कि डेवलप नेशनल वाइज रिसर्च कॉम्पिटेंट, मतलब देश में जो है रिसर्च कॉम्पिटेंट को बढ़ाया जाए, जो एयर के मामले में जो है क्लीन एयर के मामले में रिसर्च करे, ठीक है। तो क्लीन एयर इनिशिएटिव वो है। और आगे चलते हैं हम लोग, अगला है कोलाबोरेटिव रोबोटिक इनोवेशन क्लब, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने 170 करोड़ रुपये IIT दिल्ली को दिया है। क्यों दिया है मैं आपको एक सिंपल सी भाषा बता देता हूँ। फोर वर्टिकल में रोबोट एक हब मतलब इस्टेब्लिश करने की, IIT दिल्ली को मैं पैसा दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी ने ये कहा कि मैं पैसा दे रहा हूँ, फोर वर्टिकल में आपको रोबोटिक विकसित करना है। मेडिकल रोबोटिक, मेडिकल के सेक्टर में जो रोबोटिक काम कर सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट और इस डिफेंस के सेक्टर में, और स्मार्ट मैन्युफैक्चर, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, पब्लिक की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, वो अपने आप रोबोट ही वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते रहे और एम्प्लॉयमेंट की वाट लगती रहे, ठीक है। वो इसलिए जो साइंस टेक्नोलॉजी ने 170 करोड़ रुपये IIT दिल्ली को दिया है कि आप जो है एक इनोवेशन हब कोलोबोरेटिंग रोबोटिक बनाइए, ठीक है। एक ऐसा सेंटर बनाइए जहाँ पे मेडिकल टाइप, मेडिकल के एरिया के लिए रोबोटिक का इस्तेमाल हो सके, एग्रीकल्चर में काम करने के लिए रोबोटिकों का आप मैन्युफैक्चर करिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, चूँकि डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के एरिया में यदि आप रोबोटिक बना रहे हैं, मेडिकल के एरिया में रोबोटिक बना रहे हैं, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन आप डिफेंस में बना रहे हैं रोबोटिक, ठीक है, लेकिन स्मार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, और यदि अगर रोबोट ही प्रोडक्शन करेंगे तो फिर पब्लिक को ज़रूरत ही क्या है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का नाम होगा आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स, IHFC इसका नाम होगा, या IIT दिल्ली में कहा जाएगा इस सेंटर का नाम IHFC, ठीक है। अब IHFC क्या करेगा, परफॉर्म करेगा रिसर्च को किन एरिया में, कोलोबोरेटिंग एरिया में, ठीक है। और फोकस ऑन हाउ विल टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स शुड बी एबल टू वर्क टुगेदर विथ ह्यूमन, ठीक है। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं, आपके हमारे काम का जो था वो हम बता दिए। सारा भाई रिसर्च सेंटर को देखिए, सारा भाई सेंटर एक्चुअली में क्या है, इसरो ने एक क्रेटर चंद्रयान 2 के जो है क्रेटर है उसके बारे में बताया है, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो ये है कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, ठीक है, उसने एक क्या कहते हैं पिक्चर जो है कैप्चर किया है, क्रिएटर को कैप्चर किया है, और ये क्रिएटर है आपका, ठीक है। ये क्रिएटर जो है, इस क्रिएटर का नाम ये लोग विक्रम साराभाई रखे हैं, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे, ठीक है। तो ये इसरो ने इसको सर्च किया है, चूँकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इसको जो है खोज के निकाला है। तो ये है क्या, इसको आप देख लीजिए, ये 30 किलोमीटर पूर्व में अमेरिकन अपोलो 17 और सोवियत यूनियन के लूना मिशन जहाँ पे वो लोग लैंड किए थे उसके 300 किलोमीटर ईस्ट में ये क्रेटर पाया गया है, गड्ढा पाया गया है। तो इसका नाम विक्रम साराभाई ये लोग रख दिए हैं। इसकी डेप्थ है 1.7 किलोमीटर। ये काम का नहीं है, ये कभी पूछता जाएगा नहीं, इस टाइप का UPSC कभी क्वेश्चन पूछती नहीं, UPPSS भी नहीं पूछेगी आपसे, ठीक है। लेकिन ये एक तरह से क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है इसको देख लीजिए। दिस फाइंडिंग विज हेल्प स्पेस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फर्दर प्रोसेस ऑफ लूनार रीजन फील विथ लावा, ठीक है। उस रीजन जहाँ पे मिला है वहाँ पे लावा था उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है।
उसको समझने के लिए कि ये सब रीजन ऐसा क्यों है, ये किस टाइप का बना हुआ है, ये इस टाइप को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है इसमें मदद पड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा ये लूनार पे पाया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं क्विक रिवीजन और क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉज करके हमेशा की तरह आप जो है इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, फिर बाद में तो हम आपके करेंगे ही। तो आइए चलते हैं, हम करते हैं एशियाटिक लॉयन इन डेंजर फाउंड इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये एशियाटिक लॉयन केवल इंडिया में पाया जाता है, और गैंगटिक डॉल्फिन जो है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है अटैच टू ऑफिस ऑफ नीति आयोग, ये फॉल्स है। ठीक है, साराभाई सेंटर इज रिलेटेड टू मार्क्स, लूनार है, मैंने ये भी बताया आपको, ये भी फॉल्स है। एयूएम जो सिस्टम है, रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी पैरामीटर, डेवलप बाई नासा। ठीक है, डेवलप बाई इसरो, ये इसलिए गलत है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन इसमें फॉल्स है स्टेटमेंट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।